अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगली बार हम पर ये हाथ उठा दी ना तो हाथ को तोड़ देंगे। आखिरी बार समझा रहे हैं पंकज, तुम्हें जो बोलना है हमें बोलो, जो करना है हमारे साथ करो, पर अगर हमारी माँ और नमन जी के खिलाफ एक और शब्द बोली ना, उसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। जिन दो लोगों की वजह से तुम हमको थप्पड़ मारी हो ना, तुम देखना हम उन दोनों का क्या हाल करते हैं। नमन सिंह तो पहले से हमारा था, बस थोड़ा बहक गया था, और देखो उसी वजह से आज खुद से नफरत करने लग गया है वो। उसको तो एक न एक दिन हम अपना बना ही लेंगे। रही बात बड़ी मम्मी की, तो तुम देखना उन्हें अगर खून के आंसू न रुलाए ना तो हमारा नाम भी पंकजा सिंह नहीं, समझी तुम? इसी लक्षण की वजह से हम सुनैना को मायके छोड़ा है। कहाँ है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, बताओगे हमको? हैं? देखो हम सब ठीक कर देंगे। सुनैना को उसके घर छोड़ने के लिए आपने मेरी परमिशन ली थी, नहीं ना? तो ठीक है, सुनैना बिना मेरे परमिशन के इस घर में वापस नहीं आएगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। देखो बाबा, अगर तुमको सुनैना के साथ नहीं रहना है तो तुम हमको बताओ, हम तुम्हारा तलाक करवा देंगे। हमको बताओ तो सही, बात का है, तुम्हारे मन में चल कर रहा है? मेरी एक बात याद रखिएगा मां, ना मैं सुनैना को कभी डिवोर्स दूंगा और ना ही कभी दूसरी शादी करूंगा, और ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट है। बताओ या ना बताओ बहुआ, लेकिन हम भी पता लगा कर रहेंगे कि तुम दोनों के बीच में हुआ क्या है।
ये जख्म देख रही हो, ये जख्म तो भर जाएंगे। लेकिन जो जख्म तुमने यहां दिए, जो जख्म तुमने यहां दिए, वो कभी नहीं भरेंगे। उसका माँ हमारे पति को थपड़ी आती थी, उसका बेटी हमारी बेटी को, ना परिवार को ना थप्पड़ खाने के लिए पैदा हुआ है। उस किन्नर को तो हम सबक सिखाएंगे। हे पकड़ा, तुम जाओ जाकर देख के आओ कि भाई साहब घर पे है कि नहीं। जाओ, अरे जाओ। मम्मी, पापा और बड़े पापा तो घर में नहीं है, शायद बाहर गए हैं। और बड़ी मम्मी किचन में अपनी परी के लिए कुछ पका रही है। बढ़िया है, तो फिर चलो उस परी के पर काट के उसका इज्जत की आप थजियां उड़ाती है। I hate you. ना तो तुम लड़की हो ना तुम लड़का हो। हम एक किन्नर हैं। बताए तो ना, हम दोनों ना साथ में हनीमून पे जा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं जो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, तुम बस वहीं पे यही पहनोगी। एक मिनट, मैं दिखाता हूँ। वाइफ ना ही लड़की है और ना ही लड़का, वो एक किन्नर। अपने कमरे से तुम्हारी निशानियां और दिल से तुम्हारी हर याद निकाल के फेंक दूंगा मैं। जिंदगी में कभी पलट के तुम्हारी और देखूंगा भी नहीं। सुनैना, इतने दिनों से ये हम सब कुछ चेक करा रही थी। ऐसे लोगों को पार्टी क्या, समाज में भी रहने का हक नहीं मिलना चाहिए। ऐसी औरत का तो मुंह काला कर देना चाहिए। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। चाची आप यहाँ? घूर कह रही हो? आपको क्यों घूरेंगी? तो फिर डरा रही हो, खुन्नस दिखा रही हो? नहीं चाची, आपको क्यों खुन्नस दिखा? तो हम प्रिंसेस पंकजा पे तो जमी हाथ को।
देती है। चाची जी प्लीज छोड़िए, प्लीज 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 चाची जी प्लीज। जमोला प्लीज, क्या जमोला छोड़, मत कैसे हुई हमने बेटे को हाथ लगाने की, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटियों पे हाथ उठाने की। हाथ सिर्फ इसका हाथ मुड़े है, लेकिन दोबारा अगर हमने बेटे को छोड़ने का कोशिश भी की ना तो जलाकर राख कर देंगे। जलाकर राख कर दोगी और हम जलाने देंगे? सोची भी ना, जो हाथ है ना रमोला उसको काट के फेंक देंगे, तुम्हारा भी और तुम्हारी बिटिया का भी। एक मुद्दी थी, क्या लगता है आपको कि हम चुपचाप खड़े हो के तमाशा देखेंगे? अब हम पर ना अपना रौब मत जताइए। डर मत, ऐसे कैसे तुझे रमोला कहीं भी भेज देगी, भेजने देंगे नहीं ना हम। डर मत, तू हमेशा हमारे साथ ही रहेगी, अपनी माँ के साथ रहेगी, तुझे हमसे कभी कोई अलग नहीं कर सकता, हमारे साथ ही रहेगी तू। तुझे कल हम नरेश सिंह की किन्नर बेटी को यहां पर लेकर आएंगे। सारी तैयारियां हो गई? हाँ जी, सारी तैयारियां हो चुकी है। चलो फिर आरती करते हैं।
कुमुद दीदी, पूरा मत मनाइएगा, लेकिन का है ना, घर का बड़ा लोगन के मुंह में खाने का एक निवाला भी नहीं लगा है। ऊपर से आप पहले अपना पति को खिलाने के बजाय अपना किन्नर बिटिया के लिए थाल परोसे लिए जा रही है। ये खास सही लग रहा है आपको? बीच में बकर बकर करती रहती हो, हाँ? अब सुरना की वजह से भाभी भूखी रहेंगी। रहने दो को भूखा। कुमुद का ये हरकतों की वजह से हमारा दिमाग भी खराब हो रहा। उनके कपार में ये बात घुस ही नहीं रहा है कि सुनैना किन्नर है और हम उसको अपना नहीं सकते। वो हमारा घर का बेटी कभी नहीं बन सकती। कुमुद को ये बात समझना होगा, उनको सुनैना का मोह त्यागना होगा। तो इसका मतलब ये भाई साहब भी हमरे फेवर में है, इसी का तो साथ चाहिए था हमको। अब हम उस सुनैना का वो हाल करेंगे जो खुद ही घर छोड़ के भाग जाएगी। इसी लायक हो तुम। अरे बड़ी मम्मी, अच्छा हुआ आप भी यही मिल गए। आप भी खाइए, मम्मी ने बहुत प्यार से भेजा है दोनों के लिए। अंगजा, खाने का ऐसे अपमान नहीं करते। हाँ पाप लगता है, खैर तुम छोड़ो, जाओ हम ये खाना खा लेंगे। थैंक यू। बस यही सब नौटंकी और फर्जी डायलॉग बाजी सीखी हो तुम तय खाने में बैठकर। इसीलिए तो भगवान जी तुमको आधा अधूरा बनाकर छोड़ दी। चलो माँ खाना खा लो, हमें तो बहुत भूख लगी है। मन नहीं कर रहा हमारा। माँ इधर देखो, आप रो रही हो, तो रोने वाली कौन सी बात? रो नहीं रहे हैं सुनैना, रो नहीं रहे हैं। हमको खाना नहीं खाना, हमें भूख नहीं ना लग रही। अच्छा ऐसे कैसे मन नहीं कर रहा? खाना पड़ेगा, चलो सुनैना छोड़ो ना, हमको भूख नहीं लग रही है बिटिया। सुनैना ऐसे नहीं मानोगी। वैसे सुनैना को भी पता है कि अपनी माँ को कैसे मनाना है। सुनैना Thank you.
अग्नि को साक्षी मानकर और आरावण देवता का आह्वान करके हम प्रण लेते हैं कि साम दाम दंड भेद जैसे भी बन पड़े, हम सुनेना को अपने परिवार में लाकर ही रहेंगे। हमारे होते हुए वो मर्दों और औरतों की दुनिया में अत्याचार सहन करें, ऐसा हम होने नहीं देंगे। अग्नि साक्षी है और इतिहास गवाह है, आज तक हमने किसी भी किन्नर के साथ में अन्याय नहीं होने दिया है, सुनैना के साथ भी नहीं होने देंगे। उसे हमारे परिवार में आना ही होगा।